हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज का टॉपिक होने वाला है कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर। आज मैच 26 खेला गया PSL का नेशनल स्टेडियम कराची में, और आज कराची किंग्स ने माइंड ब्लोइंग गेम ऑफ क्रिकेट खेली। पहले डेप्थ बॉलिंग और साथ साथ बैटिंग कमाल कर दी। कराची किंग्स ने अपना पिछले मैच का बदला आज कराची में ले लिया। मैच 26 में उनने लाहौर को 10 विकेटों से हरा दिया। पहले मैं आपके साथ स्कोर कार्ड शेयर करूं कि लाहौर ने आज क्या क्या गलतियां की जिसकी वजह से लाहौर ये मैच 10 विकेटों से हार गया। आज कराची ने टॉस जीता और लाहौर को पहले बैटिंग की दावत दी। लाहौर का आगाज़ काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन लाहौर का फिर अचानक से कोलैप्स हो गया। लाहौर ने अपने 20 ओवरों में 150 रन बनाए 5 विकेटों पर, जिसमें सोहेल अख्तर ने आज कमाल की इनिंग्स खेली। 68 रन सोहेल अख्तर ने बनाए, फखर जमान ने 17 रन बनाए, क्रिस लिन ने 5 रन बनाए, बैन डग ने 9 रन बनाए, हफीज़ ने 35 रन बनाए, पटेल ने 5 रन बनाए और वीसा ने 5 रन बनाए। और काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई। उमैद आसिफ ने 2 विकेट ली, जॉर्डन ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कराई, 4 ओवर 24 रन से 1 विकेट, कमाल की डेप्थ बॉलिंग कराई, और अर्शद ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई, 2 विकेट अर्शद ने ली। और काफ़ी वेवर से बैटिंग की लाहौर कलंदर्स वालों ने। लाहौर कलंदर्स स्टार्ट अच्छा रहा, लेकिन फिर उनका एक अचानक से कोलैप्स हो गया। और जब कराची किंग्स की बैटिंग रही, कराची किंग्स के ओपनर्स ने ही इतना अच्छा खेला, इतना अच्छा रन खेला है ना, कि दोनों ओपनर्स ने ही 151 रन बना लिए और मैच जीत गए आराम से उन लोग। शर्जील खान ने 74 रन बनाए और बाबर आजम ने 69 रन बनाए, और काफ़ी मीडियोकर से बॉलिंग कराई लाहौर के बॉलर्स ने, और किसी बॉलर को भी विकेट नहीं मिली। और 1, 2, 3, 7 बॉलर्स ने इस्तेमाल किए सोहेल अख्तर ने। अब बात करते हैं मेन मुद्दे। आज कराची किंग्स ने टॉस जीता और अच्छी बैटिंग पिच पर ना लाहौर से बैटिंग करवाई। लाहौर ने 150 रन बनाए, लेकिन काफ़ी कम रन बनाए, क्योंकि कराची की पिच जो है ना बिल्कुल एक बैटिंग स्ट्रिप है, इसमें लंबे लंबे रन बनते हैं। और इसमें जो आखिरी दफ़ा जो रन डिफेंड किया था ना, वो पेशावर जमीनी ने किया था 183 रन, तो 150 रन कुछ भी नहीं है। और फिर लाहौर कलंदर्स की फील्डिंग, पहले ओवर में 2 कैचेस ड्रॉप हो गए शर्जील खान की वजह से, जिस शर्जील खान के, और फिर शर्जील खान ने 75 रन की इनिंग्स खेली, और साथ ही साथ बाबर आजम ने भी अच्छी बैटिंग की, और साथ ही साथ शर्जील खान ने भी अच्छी बैटिंग की। अब जो बाबर आजम है टॉप स्कोरर बन गए HBL PSL 5 के, और काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई जॉर्डन ने डेप्थ में काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई। यार जॉर्डन जो है T20 एक्सपर्ट है, और अभी भी वो T20 ही खाली खेला, T20 वनडे इंग्लैंड के लिए खेलता है, और काफ़ी अच्छी डेप्थ बॉलिंग कराता, तो आज भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई जॉर्डन ने। साथ साथ उमैद आसिफ ने भी अच्छी बॉलिंग कराई, साथ ही साथ उमैद आसिफ ने जो है आज 2 अच्छी विकेट ली, क्रिस लिन की भी विकेट ली, साथ ही साथ बैन डग की भी विकेट ली, और एंड में अरशद खान ने आज अच्छी बॉलिंग करी, 3 ओवर 2 रन। और मुझे ना लाहौर कलंदर्स की बैटिंग का समझ आई, और साथ ही साथ बॉलिंग, शाहिन शाह ने भी आज काफ़ी अजीब सी बॉलिंग कराई, दिलबर ने भी अजीब सी बॉलिंग कराई, और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आई लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग का। लेकिन कराची किंग्स ने आज बिल्कुल टॉप कर दी, और कराची किंग्स जो है अब सेकेंड नंबर पर आ गई है पॉइंट्स टेबल पर, और पेशावर जमी 3 पे, और लाहौर कलंदर्स 4 पर। अब जो थोड़े से मैचेस रह गए थे, काफ़ी क्रूशियल मैचेस है, और आज क्राउड भी अच्छा था, क्योंकि कोरोना वायरस के कुछ मसाइल चल रहे, तो क्राउड भी अच्छा क्राउड था। लेकिन कल से जो मैचेस होंगे उसमें क्राउड नहीं होगा ड्यू टू कोरोना वायरस, मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए जगह आप वो देख सकते हैं। लेकिन आज का मैच कराची वालों के नाम और कराची किंग्स वालों के नाम, कमाल की बैटिंग, कमाल की बॉलिंग, और कमाल की कप्तानी, और कमाल की डेप्थ बॉलिंग जॉर्डन ने। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मुझे इस तरह सपोर्ट करते रहें, आप लोग के लिए डेली क्रिकेट न्यूज़ या क्रिकेट ओपिनियन कुछ ना कुछ हम इस चैनल पर लाते रहे। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।